नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। एक बार फिर से देश और दुनिया की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर लेकर हम आ जाए हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे देश और दुनिया से जो जो बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो ज्वाइन बटन पर भी जरूर क्लिक करें, क्योंकि इससे आपकी सपोर्ट हमें मिलेगी और हम आपके लिए कुछ और बेहतर भी कर सकते हैं। तो इसलिए ज्वाइन बटन को जरूर क्लिक करें और इसी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर जो फिलहाल निकल कर आ रही है तुर्की से। जी हां दोस्तों, तुर्की के मिलिट्री के प्लेन अब ग्रीक के एयर स्पेस में भी घुसने लगे हैं, और तुर्की की दादागिरी दिखने ऐसे लगी है क्योंकि तुर्की के जो प्लेन्स हैं वो 33 बार एक इंटरनेशनल एयर स्पेस को एक उल्लंघन कर रहे हैं। इसी के साथ एक दिन में 33 बार किसी दूसरे देश की हवाई सीमा में घुसना ये तुर्की का ही काम है, और तुर्की के इस दादागिरी की पोल आज खुलकर रह गई है। दरअसल दोस्तों, तुर्की और ग्रीस में जो विवाद हागिया सोफिया को भी देखने को मिला था, और इसी के चलते जो ग्रीस के क्रिश्चियन लोग हैं वो तुर्की के मुसलमानों लोगों के खिलाफ आ गए हैं, और इसी के चलते जो तुर्की की मिलिट्री है वो अपना एग्रेशन ग्रीस को दिखा रही है। हालांकि यही एग्रेशन के कारण तो तुर्की के खलीफा बनने की चाहत आज एर्दोगन अपने मन में बसाए हुए हैं, और यही कारण है कि वो तुर्की की सत्ता पर बने हुए हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है तुर्की और भारत से। जी हां दोस्तों, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने वार्निंग दी है भारत को, भारत में दखल बहुत दे रहा है। और दोस्तों, भारत की छवि अपने मुसलमान देशों में तुर्की बहुत ज्यादा खराब करने के लिए भारत के उन लोगों की सहायता ले रहा है जो भारत के खिलाफ बोलने में पैसे लेकर बोलने में जाने जाते हैं। और इसी को लेकर इंटेलिजेंस एजेंसी ने वार्निंग दी है कि तुर्की भारत की बहुत सी एक अंदर जड़ों में घुस चुका है, क्योंकि आज तुर्की के तार उन लोगों से जुड़ रहे हैं जो कि इंडियन एनजीओज हैं, इंडियन एक्टिविस्ट हैं, जो अंकारा के एजेंडे के अनुसार तुर्की में अपनी ट्रिप करते हैं और भारत के खिलाफ मुसलमानों का गुस्सा भड़काते हैं। हालांकि दोस्तों, तुर्की और पाकिस्तान की यारी कितनी गंभीर और कितनी गहरी हो चुकी है इसके संदेश आप इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट से लगा ही सकते हैं। हालांकि दोस्तों, तुर्की की खलीफागिरी यह भी है कि वो मुसलमान देशों का खलीफा बनना चाहता है, यही कारण है कि भारत सहित दुनिया के हर उस मामले में वो अपनी टांग अड़ा रहा है जहां पर वो मुसलमानों का खलीफा बन सकता है। हालांकि दोस्तों, तुर्की की खलीफागिरी तब खत्म हो जाती है जब यही खलीफागिरी और यही मुसलमानों को सपोर्ट करने के लिए चाइना का मुद्दा सामने आता है, तब यही एर्दोगन बिल्कुल अपना मुंह छुपाते हुए दिखाई देते हैं, और ना तो पाकिस्तान और ना ही तुर्की चाइना के उइगर मुसलमानों के खिलाफ एक भी शब्द बोल पाते हैं। यही कारण है कि आज तुर्की के खलीफा बनने की चाहत आज भारत तक ही सीमित तुर्की की रह चुकी है। लेकिन भारत को अब जरूर उन लोगों पर सैंक्शंस लगाने चाहिए और उन लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो भारत का तो खाते हैं, लेकिन इसी के साथ ही भारत के खिलाफ उन मुसलमान देशों में बोलते हैं जहाँ पर उन्हें बोलना नहीं चाहिए। वहीं दोस्तों, इंडियन एनजीओ और इंडियन एक्टिविस्ट अब भारत की रडार पर होने वाले हैं, क्योंकि ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट खुलासा कर रही है कि तुर्की में ये इंडियन एनजीओ और एक्टिविस्ट अपना एक अलग ही एजेंडा पैसे लेकर चला रहे हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। ये खबर जुड़ी है पाकिस्तान से। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान कंडेम्स कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंपल एट बाबरी मस्जिद साइट एट मोदी लेज फाउंडेशन। जी हां दोस्तों, ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये राम मंदिर के भूमि पूजन की है। इसी तरह से लोगों ने पूरे भारत में मजा लिया, लेकिन इसी के साथ ही भूमि पूजन को लेकर जो भारत में ये एक सफर जो एक लंबा सफर चला था उसको लेकर जो पाकिस्तान है उसके भी तोते उड़ गए हैं। ये तस्वीरें जब पाकिस्तान पहुंची तो पाकिस्तान का डॉन न्यूज़पेपर अब आज लिख रहा है कि पाकिस्तान इस कंस्ट्रक्शन को लेकर अपना विरोध दर्ज करवाता है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन बाबरी मस्जिद के ऊपर बनाया गया है। हालांकि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये राम मंदिर की भूमि थी और इस पर किसी भी तरह की जो कंस्ट्रक्शन था वो अवैध था, और इसी के चलते पाकिस्तान ने इस बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया है, जिसके चलते आप समझ सकते हैं कि बाबरी मस्जिद को लेकर जो पाकिस्तान है वो अब भी सक्रिय होना चाहता है और बाबरी मस्जिद के जरिए भारत के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, देखना होगा कि आखिरकार उनकी बात भारत के मुसलमान मानते भी हैं या नहीं। लेकिन भारत में जो मुसलमान रहते हैं वो तो यही कह रहे हैं कि हम राम मंदिर को बनाने में सहयोग करेंगे और हम राम मंदिर के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान अपना एजेंडा चलाने से बाज नहीं आता है, और ये रिएक्शन पाकिस्तान की ओर से देखा गया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है पाकिस्तान और भारत से ही।
भारत में भारत ने कल धारा 370 हटाए जाने की एक एनिवर्सरी भी मनाई थी और इसी के चलते राम मंदिर का भूमि पूजन भी हुआ था और इसी के चलते कायर पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में एक बार फिर से चला गया। यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर इशू को लेकर उसने एक बार फिर से मुद्दा उठाया लेकिन यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में भी उसे मुंह की खानी पड़ी क्योंकि वो यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग वो हेल्ड नहीं करवा सका क्योंकि यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल क्लोज थी और इनफॉर्मल थी जिस कारण से कोई भी बयान रिकॉर्ड नहीं हो सके और पाकिस्तान को खाली हाथ यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में लौटना पड़ा कश्मीर के मुद्दे पर। हालांकि एक साल पहले भी पाकिस्तान ने इसी तरह का एजेंडा चलाया था लेकिन चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान और तुर्की को भी मुंह की खानी पड़ी थी 370 के मामले पर। आज भी उस तरह की मुंह की खानी पड़ रही है पाकिस्तान को। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर, यह खबर जो है स्मार्ट मीटर से। जी हां दोस्तों, चाइना फैक्टर किल स्मार्ट मीटर डील। जी हां दोस्तों, भारत में भी स्मार्ट मीटर बनाने का काम बहुत तेजी से शुरू हो रहा था लेकिन इसी के साथ भारत ने इंडोनेशिया की एक कंपनी पीटी हैक्सिंग को इसके ठेके दिए थे कि आप हमें करीब 30 लाख के करीब जो मीटर हैं वो भारत में उपलब्ध करवा दें ताकि हम भी स्मार्ट मीटर में एक नाम कमा सकें। हालांकि दोस्तों, भारत की EESL और टाटा पावर भी स्मार्ट मीटर बनाती है और इसी के साथ ही चाइना की इस कंपनी पीटी हैक्सिंग को ठेका दिया गया था। हालांकि दोस्तों, जब इस कंपनी को ठेका दिया गया था पीटी हैक्सिंग को, तब ये जाहिर नहीं था कि ये चाइना की कंपनी है लेकिन अब जैसे ही विवाद बॉर्डर पर बढ़ा है, जैसे ही भारत को पता लगा है, भारत रिव्यू कर रहा है हर कंपनियों को, वैसे ही पता लगा कि स्मार्ट मीटर को देने वाली ये कंपनी पीटी हैक्सिंग भी चाइना की ओन्ड है और इसका एक हेडक्वार्टर भी हंगझोऊ चाइना में है जिसका से इस पर बैन लगा दिया गया और इसके साथ जो टेंडर दिए गए थे इसके 30 लाख मीटर के वो टेंडर भी कैंसिल कर दिए गए। पीटी हैक्सिंग इससे बहुत दुखी है कि आखिरकार इतनी बड़ी डील उसके हाथों से निकल गई। हालांकि दोस्तों, ये एक स्मार्ट मीटर है तो जाहिर सी बात है इसकी हैकिंग भी हो सकती है, इसलिए भारत किसी भी तरीके से चाइना के उस गैजेट को भारत में मंजूरी नहीं देना चाहता जो किसी भी तरीके से भारत के अंदर हैकिंग कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, स्मार्ट मीटर की ये डील कैंसिल होने से भारत की सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ेगी। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर, ये खबर जो है इंडिया से। जी हां दोस्तों, भारत को एयरफोर्स वन मिलने जा रहा है और ये एयरफोर्स वन होगा बोइंग 777 का। दोस्तों, ये कोरोना वायरस की महामारी के चलते जुलाई में इसकी डिलीवरी होने जा रही थी लेकिन ये डिलीवरी नहीं हो सकी और अब सितंबर महीने में ये बोइंग 777 का एयरफोर्स वन विमान, जो कि भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की विदेश यात्राओं में बहुत सहयोगी होगा, ये एयरफोर्स वन भारत को मिलने जा रहा है अगले महीने। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर, यह खबर जुड़ी है जम्मू एंड कश्मीर पर। जी हां दोस्तों, चाइना ने और इसी के साथ ही पाकिस्तान ने भारत के जम्मू एंड कश्मीर मामले पर अपना विरोध दर्ज करवाया है और इसी को लेकर यह बयान सामने आया है। जी हां दोस्तों, भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि आज भारत चाइना को वार्निंग दे रहा है कि अगर आपने हमारे इंटरनल मैटर पर बोलना बंद नहीं किया तो आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि दोस्तों, भारत का इंटरनल मैटर ही है जम्मू एंड कश्मीर लेकिन फिर भी चाइना को आज किस बात की आग लग रही है कि वो आज भारत के इस मसले पर बोल रहा है और इसी के चलते फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपना विरोध दर्ज करवाया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर, यह खबर जो है इंडियन एयर स्पेस से। बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है, चाइना ने वायलेशन किया है भारत के एयर स्पेस का हिमाचल प्रदेश में और वो भी एक बार नहीं बल्कि दो बार में। जी हाँ दोस्तों, भारत और हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है, भारत के हिमाचल प्रदेश और चाइना का जो बॉर्डर है वो करीब 240 किलोमीटर लंबा है और इसी के साथ ही 160 किलोमीटर लंबा जो एक बॉर्डर लगता है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से के साथ लगता है और 80 किलोमीटर का बॉर्डर लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से लगता है और इन दो इलाकों पर ही चीन के फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट मंडराए थे और ये जो एक उल्लंघन किया गया है एयर स्पेस का, ये चीन के हेलीकॉप्टरों के द्वारा किया गया है जो भारत के एयर स्पेस में घुसे थे 11 अप्रैल और 20 अप्रैल को। ये बात अब हिंदुस्तान तिब्बत रोड के ऊपर से गुजरे थे, हालांकि ये जो रोड है वो करीब शिमला से 344 किलोमीटर के ऊपर है और इसी के साथ ही ये अब विरोध दर्ज करवाया जा रहा है भारत के हिमाचल प्रदेश के उस ऑफिसर्स का और उन्होंने कहा है कि भारत की यूनियन टेरेटरी होने के नाते भारत की यूनियन टेरेटरी की सेफ्टी चाइना से अब सेंटर की सरकार को करनी चाहिए और इसी के चलते हिमाचल प्रदेश के डीजीपी ने अपना बयान दर्ज करवाया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर, यह खबर जुड़ी है चाइना के ऊपर एक और बल लगे हुए बैन से। जी हां दोस्तों, भारत ने एक और चीन के ब्राउजर को बैन कर दिया है और यह ब्राउजर बैन किया गया है MI ब्राउजर। जी हां दोस्तों, Xiaomi भी बिल्कुल भारत के रडार पर है और गवर्नमेंट ने इस ब्राउजर को भी बैन कर दिया है। दरअसल Xiaomi के जितने भी मोबाइल फोन हैं उनके अंदर इनबिल्ट MI ब्राउजर आपको मिल ही जाता है, यही
कारण है कि भारत सरकार किसी भी चीन की ऐप्स को अब एंट्री नहीं देना चाहती, क्योंकि ये जो ऐप्स हैं और ये जो ब्राउज़र हैं, ये बहुत बड़ी मात्रा में अपना एक डाटा, भारतीयों का डाटा चाइना लेके जाते हैं। हालांकि चीन की ये जो शाओमी कंपनी है, इसने बहुत बड़ा नाम भारत में कमा दिया है और भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनकर उभरी है। और इसी के साथ इस कंपनी ने, शाओमी ने, करीब 10 करोड़ मोबाइल फ़ोन भारत में बेच दिया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है बेलारूस से। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन ने अब रशिया और बेलारूस के विवाद के बीच में एंट्री कर ली है। आपको बताया था कि पिछले ही महीने जब रशिया के 33 से भी ज़्यादा लोगों को बेलारूस ने गिरफ्तार कर लिया था, और ये बेलारूस के जो ये 33 बेलारूस ने ये जो 33 रशियन गिरफ्तार किए थे, उसके ऊपर आज यूक्रेन ने बयान दिया है। ये है दोस्तों यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की, और इन्होंने कहा है कि उन 33 में से 28 लोगों को आप हमारे और ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि हम इनके साथ बिल्कुल एक देख सकते हैं कि हाँ इन्होंने भी यूक्रेन के अंदर टेररिज्म को बढ़ाया है या नहीं। दरअसल दोस्तों, जो यूक्रेन के इलाके हैं वो भी एक डिस्प्यूटेड इलाके हैं रशिया के साथ, और वहाँ पर भी रशियन मर्सनरीज बहुत बड़ी मात्रा में यूक्रेन का सिर दर्द बन रहे हैं, और यही कारण है कि अब ये रशियंस पकड़े गए हैं बेलारूस में। तो यूक्रेन अब कह रहा है कि इन 33 लोगों को आप हमारे पास भी एक हवाले कर दें, क्योंकि इनके जो खिलाफ चार्जेस हैं वो यूक्रेन में भी बहुत हैं। और इसी के चलते अब देखना होगा कि क्या बेलारूस यूक्रेन को देगा या नहीं ये 33 लोग। लेकिन रशिया तो बिल्कुल बहुत विरोध दर्ज करवा रहा है इन मामलों में, और रशिया ने तो यहाँ तक कह दिया है कि आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी अगर आपने इन कॉन्ट्रैक्टर को अगर छोड़ा नहीं है। हालाँकि दोस्तों, रशिया इतना विरोध दर्ज करवा रहा है तो आखिरकार कैसे जो एक यूक्रेन है वो इन लोगों को अपने देश में ला सकेगा और सज़ा दिला सकेगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है इजिप्ट से। जी हाँ दोस्तों, इजिप्ट ने रशिया के Su-35 फाइटर जेट लिए हैं, लेकिन इसी के चलते अमेरिका ने इसका बहुत विरोध किया है, और अमेरिका ने कहा था कि हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, और इसी सैंक्शंस के दबाव के चलते जो इजिप्ट है उसने Su-35 भी ले लिया है। लेकिन दोस्तों, ये सैंक्शंस लगेंगे या नहीं, लेकिन अभी ये देखना होगा। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो है लेबनान ब्लास्ट से। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति अब लेबनान ब्लास्ट के बाद वहाँ उस जगह का दौरा करेंगे जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है। ये हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, और लेबनान ब्लास्ट की जो तस्वीरें कल सामने आई थी वो आपने देखी थी। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है बेरूत लेबनान ब्लास्ट से। ये तस्वीरें लेबनान ब्लास्ट से ही है। पूरे का पूरा बंदरगाह तबाह हो गया है, और जो लोग वहां पर मारे गए हैं उनकी संख्या भी बड़ी है। इसी के साथ 135 लोग मारे जा चुके हैं, 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 240 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक इसके धमाके की आवाज सुनाई दी थी। यही कारण है कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने कहा है कि हम £5 मिलियन लेबनान को एक इमरजेंसी राहत पैकेज के रूप में देंगे। इसी के साथ दोस्तों, अमेरिका, सऊदी अरेबिया और इसी के साथ ही इसराइल और तुर्की ने भी लेबनान में मदद भेजने का आह्वान किया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है भारत के आर्टिकल 370 पर चीना ने जो विरोध दर्ज कराया है उसके बारे में। ये है चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन वैंग वेनबिन, और इन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 जो भारत में हटाया गया है उसका एक साल हो गया है, ये इलीगल और इनवैलिड है, और हम एक साल बाद भी इसे बिल्कुल मान्यता नहीं देते, और आपको भारत और पाकिस्तान को इस मामले को बैठकर सुलझा लेना चाहिए। और इसी के मामले में भारत ने चाइना का विरोध भी किया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है बेलारूस से। दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये तस्वीर है बेलारूस के राष्ट्रपति की, लुकाशेंका की। जी हाँ दोस्तों, ये लुकाशेंको 6 बार जीत चुके हैं, और 1994 से ये जीतते आए हैं, और आज तक इन्हें हराने वाला कोई भी पैदा नहीं हुआ है। दरअसल दोस्तों, इनको हराने वाले बहुत पैदा तो हो गए हैं, लेकिन इनकी जो सत्ता की एक चाबी है वो अपनी जेब में ही रखते हैं, और जो भी इनके हराने वाला पैदा होता है उन्हें ये बिल्कुल जेल में डाल देते हैं। ये जवान चेहरा है और आज ये बिल्कुल बूढ़े होने के कगार पर आ गए हैं, लेकिन 26 सालों के इतिहास में ये आज भी बिल्कुल कड़े एक लीडर के रूप में उभरे हैं। लेकिन आज वो उनकी सत्ता बिल्कुल मुश्किल में है, लेकिन फिर भी वो अब इस बार भी एक मजबूत दावेदार बेलारूस के माने जा रहे हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया कह रहा है कि हम 30 अगस्त को अपने स्कूल खोल देंगे, भले ही वायरस की स्थिति क्या भी हो।
लेकिन दोस्तों सऊदी अरेबिया ने बहुत देर तक इंतजार किया है सऊदी अरेबिया के बच्चों को लेकर कि आखिरकार वहां पर स्कूल कब खुलेंगे। लेकिन 30 अगस्त अब एक तारीख आ गई है सऊदी अरब में जो स्कूल है उनको खुलने की। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर, यह खबर जुड़ी है पाकिस्तान और सऊदी अरब से। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया में किसी और देश का जो लोन है उस लोन की किस्त दे ना दे, परंतु पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को लोन की जो रकम है वो जरूर देता है। जी हाँ दोस्तों, $3 बिलियन का जो लोन रियाद सऊदी अरब से जो पाकिस्तान ने लिया था उसका 1.5 साल पूरा हो गया और इसी के चलते $1 बिलियन का जो लोन है वो पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को पे किया है। हालांकि ये पैसी पहली खबर है जब कंगाल देश पाकिस्तान ने किसी देश को लोन दिया है, वापस दिया है। लेकिन दोस्तों देखना होगा कि पाकिस्तान किन किन देशों को जो लिया हुआ लोन है वो वापस करता है। वहीं दोस्तों विराम देते हैं आज की इन सबसे बड़ी खबरों को। उम्मीद है आपको आज एक बेहतरीन जानकारी मिली होगी। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।